छोटी छोटी आंखों का मजाक बनाकर मशहूर हुए नागालैंड के उच्च शिक्षा और आदिवासी मामलों के मंत्री तेमजीन इमना आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सिर्फ नागालैंड से ही नहीं, अब तो पूरे भारत से उन्हें बेहद प्यार मिल रहा है। वजह है उनका व्यक्तित्व। जिस तरह से वो एक मंत्री होने के बाद भी जनता के सामने खुद को पेश करते हैं, जैसे वो मुद्दे उठाते हैं, उससे इमना की तरफ जनता को एक विशेष लगाव महसूस होता है। अब जब इमना ने अन्नदाता का ही मुद्दा उठा दिया, किसानों का मुद्दा उठाकर उन्होंने काशी मथुरा का भी जिक्र कर दिया, वही काशी मथुरा जिसके लिए कहा जाता है अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। उसी काशी मथुरा का जिक्र कर बेहद ही खूबसूरत संदेश देने की कोशिश की है नागालैंड के मंत्री तेमजीन इमना अलोंग ने। इमना ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र के खेतों में काम करते हुए नागालैंड के किसानों के संघर्ष को दिखाया गया है। इस 50 सेकंड के वीडियो में पहाड़ी इलाकों में किस तरह से किसान खेती करते हैं ये दिखाया गया है। वीडियो में बताया गया है कि किसानों को खेती करने के दौरान किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वीडियो के जरिए इमना ने ये बताने का प्रयास किया है कि आखिर किसान पहाड़ी इलाकों में उपजाऊ भूमि कैसे तैयार करते हैं, कैसे जंगल काटकर पहाड़ के ढलान पर खेत बनाते हैं और बारिश के पानी का प्रयोग करते हैं। पानी की अधिकता की वजह से इन इलाकों में धान की खेती अधिक होती है। अब इसी वीडियो को साझा कर नागालैंड के जनजातीय मामलों को संभालने वाले मंत्री तेमजीन इमना अलोंग ने लिखा है, नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। इमना के इस वीडियो की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। माता नाम के यूजर ने लिखा, मैं वहां घूमना चाहूंगा सर और आपसे मिलना चाहूंगा, कब आऊं सर। फोटो नाम के यूजर ने लिखा, सो ट्रू, आप रोल मॉडल हैं, आप इंस्पिरेशन हैं, एक उम्मीद है बहुत लोगों के लिए। विशाल श्रीवास्तव नाम के यूजर ने लिखा, नागालैंड और वहां की संस्कृति एवं सुंदर प्रकृति का अनेक अवसरों का दर्शन करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय इमना जी। विपिन कुमार ने लिखा, बहुत सुंदर खेत हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। एसके नाम के यूजर ने लिखा, ब्यूटीफुल लाइन सर एंड अमेज्ड टू सी यू स्पीक एंड राइट सच गुड हिंदी। तो कुछ इस तरह से मंत्री तेमजीन इमना अलोंग के साझा किए गए वीडियो के लिए उनकी सोशल मीडिया पर तारीफ हुई। और हाँ, काशी मथुरा का नाम लेने का आप मतलब कुछ और लगाए, उससे पहले हमें लगता है कि अपने इस पोस्ट के जरिए तेमजीन इमना अलोंग ने दिखाने की कोशिश की है कि कर्म ही सब कुछ है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो किस्मत को हम अपना दास बना सकते हैं। कर्म अगर हमारे अच्छे हैं तो हमें काशी और मथुरा जाकर भगवान के दर्शन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर में ही बिना काशी मथुरा जाए भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। जहाँ हमारा घर है वहीं हम अगर अच्छी नीयत रखकर अपने काम में अग्रसर रहेंगे तो फिर किस्मत के भी मालिक हो जाएंगे और घर में ही अपने भगवान को भी पाएंगे। शायद यही संदेश देने की कोशिश कर रहे थे तेमजीन इमना अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, ये तेमजीन इमना अलोंग 41 साल के हैं और नागालैंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनको साल 2018 विधानसभा चुनाव में अलोंग टाकी निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था। वो 2018 में सरकार में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। और बेहद अच्छी हिंदी बोलते हैं। वैसे आप तेमजीन की किसानों की मेहनत को लेकर साझा किए गए इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।